और कोई भी गैर मुल्की प्लेयर अब बड़ी बड़ी रकमें आईपीएल से नहीं ले सकेगा। आईपीएल इंडियंस को पैसे देंगे और जो भी गैर मुल्की खेलना चाहते हैं आईपीएल वो इंडियंस से नीचे होंगे। इंडिया ने आस्ता आस्ता अपना बताना शुरू कर दिया, इंडियन बोर्ड ने बताना शुरू कर दिया कि वो कितने पावरफुल है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि भैया अगर आपने कहा ना कि भैया मैं इस जाति वजूहात की बिना पर ये है वो है, मैंने मुल्क के लिए खेलना है, मैं इसलिए आईपीएल नहीं खेल सकता, मैं अवेलेबल नहीं हूं, और उसे अगले 2 साल आईपीएल देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम नहीं लेंगे उसे, और जिसने अपनी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उसे मिनी ऑक्शन में भी नहीं डाला जाएगा। ये होते हैं एक बोर्ड के फैसले, ये होते हैं ताकत के फैसले। अब गैर मुल्की प्लेयर्स को भी अंदाजा होगा कि वो राज नहीं कर रहे थे आईपीएल पर, वो गुलाम थे और अब गुलामी वाली ही चीजें चलेंगी। अब वो जो देने थे ना मिचेल स्टार्क वगैरह को, पैट कमिंस को 25-25 करोड़ पे, अब वो दौर खत्म हो चुके। अब वो जो वैसे भी स्टार्क की कहानी तो खत्म हो चुकी है कि आए दिन पहले रोहित शर्मा ने उसे 4 छक्के लगा दिए, चौका लगा दिया, 28 स्कोर उसने मार दिए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ उसे 28 स्कोर लग गए, तो उसका सीन तो वैसे ही खत्म हो चुका है। पता नहीं वो आईपीएल में अगर अपना नाम देता भी है तो कोई उसे पिक करता है या नहीं।